लालपेट ओपन कास्ट में प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। महज कुछ ही घंटों में दो घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ। वेगोली चंद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लालपेट ओपन कास्ट में प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। महज कुछ ही घंटों में दो घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 अगस्त को रात्रपाली में पहली घटना उजागर हुई, जिसमें ब्लास्टिंग के बाद बचे बारूद को उत्खनन दौरान मशीन का बकेट लगने के चलते विस्फोट हो गया। इस घटना में ऑपरेटर बाल बाल बच गया, मात्र मशीन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। इस घटना को छुपाने के लिए लालपेट खान प्रबंधन ने पुरजोर कोशिश की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अगस्त की रात्रि पाली के दौरान मशीन ऑपरेटर उत्खनन का कार्य कर रहा था। इस दौरान मशीन का बकेट ब्लास्टिंग के बाद बचे हुए बारूद को लगने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें मशीन क्षतिग्रस्त हो गई और बाल बाल बचे ऑपरेटर को क्षेत्रीय चिकित्सालय में ले जाने की जानकारी है। इस संदर्भ में कुछ कामगारों से बातचीत करने पर उन्होंने दबी आवाज में घटना होने की पुष्टि की है। बताया जाता है कि कोयला निकालने से पहले खान की संबंधित टीम द्वारा जगह जगह होल करके उसमें बारूद भरकर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग होने के बाद संपूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद स्थिति क्लियर होने पर उत्खनन के लिए मशीनें जाती है, परंतु उस दिन बारूद रह गया और उसी बारूद पर मशीन का बकेट लगने से ब्लास्टिंग होने की जानकारी है। तो वहीं इस घटना के महज कुछ ही घंटों बाद दूसरी घटना सामने आई, जिसमें खदान के गड्ढे में जमा पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में युवक अंदर पहुंचा कैसे, इसे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे एक युवक खदान के अंदर प्रवेश कर खदान में जमा पानी में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम विठल मंदिर वार्ड निवासी यश बताया जा रहा है। शहर पुलिस ने पंचनामा कर मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। पहली घटना संदर्भ में लालपेट ओपन कास्ट के मैनेजर नागेंद्र कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मशीन किसी अन्य कारण से ब्रेक डाउन होती रहती है,